ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं काबो दे रामा फोर्ट। ये इस फोर्ट का नाम है। इस फोर्ट का नाम रखा गया है क्योंकि यहाँ पे माना जाता है कि राम भगवान वनवास के दौरान भी आए थे। और ये फोर्ट कोनाकना में कोला विलेज के पास स्थित है, एकदम एंड में। काबो दे रामा किला दक्षिण गोवा में फेमस बीच केवेलोसिम और अगोंडा के बीच स्थित है। यह दक्षिण गोवा में एक प्राचीन किला है और मुख्य गोवा से एक मजेदार और लंबी ड्राइव के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। काबो दे रामा किले का नाम भगवान राम के नाम पर पड़ा है। कहानियों के अनुसार कहा जाता है कि उन्होंने और उनकी पत्नी यानी कि माँ सीता ने 14 साल के वनवास के दौरान इस किले में शरण ली थी। और फिर इस किले ने पोर्तुगियो, मराठो, मुस्लिम आक्रमणकारियों और हिंदू राजाओं के बीच भीषण लड़ाई का सामना किया है। और फिर अंग्रेजों द्वारा जेल के रूप में इसे इस्तेमाल किया गया था। इस किले के विकास के पीछे हिंदू शासकों और पोर्तुगीज शासकों दोनों का हाथ था, तो यह आपको विभिन्न संस्कृतियों के वास्तुकला के चमत्कारों का पता लगाने का मौका देता है। किले का एक रास्ता आपको इसके शीर्ष पर ले जाएगा और दूसरा इसके ऑन प्रीमाइसिस चर्च तक। साठ के दशक में मैसूर के हैदर अली के खिलाफ सुरक्षा के बदले में सुंडा के राजा ने अपने क्षेत्र को आत्मसमर्पण करने के बाद पोर्तुगियों ने काबो दे रामा का नियंत्रण हासिल कर लिया। इसकी दीवारों, इसका बंकर, बाहरी दीवार, चैपल और तोपों के साथ वर्तमान संरचना पोर्तुगी युग के अवशेष हैं। पोर्तुगियों ने इस किले को 21 तोपों से लैस किया और सैन्य बैरक, एक कमांडर का क्वार्टर और एक चैपल स्थापित किया। इसके बाद 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध ने मैसूर के राजा की हार देखी। इस प्रकार क्षेत्र में पोर्तुगियों के प्राथमिक प्रतिद्वंदी का अंत हो गया। समय के साथ साथ किले का उद्देश्य रक्षात्मक संरचना से जेल में स्थानांतरित हो गया। इस किले में 1995 तक एक सरकारी जेल थी। आज यह किला आंशिक रूप से खंडहर में है, लेकिन गोवा का एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण भी है। इस शानदार किले से सुंदर और भव्य अरब सागर दिखाई देता है। इस प्रकार यह प्राचीन स्थल के खंडरों के विपरीत है। वास्तव में यह किला प्रवासियों को बेहतरीन सूर्यास्त के दृश्य प्रस्तुत करने के लिए लोकप्रिय है। निसंदेह इस प्राचीन स्मारक का दौरा करने पर आप एक जीवंत व्यक्ति के रूप में वापस जरूर लौटेंगे, जो इतिहास से समृद्ध है और किले के चारों ओर की सुंदरता को दर्शाया गया है। तो यहाँ एक अनोखा अनुभव का आनंद लेने के लिए तैयार हो जाइएगा, जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। लगभग 150 सीढ़ियों के आधार पर कंकड़ से भरा एक बीच है। वहाँ तक नीचे आपको चट्टानों से घिरे हुए रास्ते से जाना होगा। यह आपको ट्रैकिंग का एहसास जरूर कराएगा। और हाँ, यह समुद्र तट सुंदर है। यदि आप इतिहास के दीवाने हैं और उसकी समझ रखते हैं, तो आप वहाँ खड़े हो सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि सैनिक यहाँ खड़े होकर बाहर की ओर देख रहे हैं। ये बहुत ही दिलचस्प होगा।
माना जाता है कि यहाँ बारामसी झरने बहते हैं, लेकिन इस जगह के बारे में किसी को कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते। यह पोर्तुगीज़ शासकों द्वारा निर्मित एक चमकदार सफेद सेंट एंटोनियो चर्च है, जहाँ अब हम जा रहे हैं। काबो दे रामा किले की यात्रा करना पुराने जमाने की यात्रा करना जैसा होगा। आप देखेंगे कि किला ज्यादातर खंडर में तब्दील है, फिर भी यह अपनी शानदार वास्तुकला के कारण एक ऐतिहासिक चमत्कार है। काबो दे रामा हिंदू पौराणिक कथाओं और हिंदू और पोर्तुगीज़ शासन के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छे जगहों में से एक है, और यह सब कुछ एक ही पड़ाव पर है ना ये मजेदार बात। यह किला काफी हद तक खंडर वाली अवस्था में है और देखने के लिए यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं है। हालांकि यहाँ बहुत घनी हरियाली है और कोई भी दीवारों के ऊपर चल सकता है और समुद्र के शानदार दृश्य देख सकता है। और यह चर्च पोर्तुगीज़ वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है, और यह बहुत ही शांति से भरा हुआ है। यहाँ आपको स्थानीय समुदाय द्वारा उनकी प्रार्थना करने और इतिहास को याद करने के लिए आयोजित एक वार्षिक दावत में भाग लेने का मौका मिल सकता है। इस प्रकार इस विरासत स्थल पर पहुँचने पर आपको निश्चित रूप से उन सभी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी जो किले ने अतीत में देखी थी। यदि आप इस फोर्ट के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो यात्रा शायद आपकी और भी ज्यादा दिलचस्प हो सकती है। और हाँ, कुछ चढ़ाई ऐसी होगी जो बुजुर्गों के लिए शायद कठिन हो सकती है, तो उनका और बच्चों का भी ध्यान रखना, सावधानी से याद रखें। काबो दे रामा अरब सागर के खूबसूरत चारों ओर के दृश्य का आनंद लेने के लिए एक आदर्श स्थान है। साथ ही किले से एक छोटा सा रास्ता आपको समुद्र तट तक पहुंचाएगा। किले के ऊपर से आप गोवा पर चमकते हुए शानदार सूर्यास्त के मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्य को देख सकते हैं। किले का यह दृश्य कई प्रवासियों को मंत्रमुग्ध कर देता है। ओके दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एडवेंचर के साथ। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, टिल नेक्स्ट टाइम।